Assalamu alaikum learners, today we are going to start exercise 1.2 and these are simple word problems. So question number 1 is, if 45% of the students in a school are girls, what percentage are boys? इसका उर्दू में क्या मतलब है कि अगर 45% किसी स्कूल में लड़कियां हैं तो उसमें लड़के कितने फ़ीसद होंगे. तो पहले तो आपने लिख लेना है कि जी टोटल स्टूडेंट्स परसेंटेज निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल अमाउंट कितनी है. तो हम लेट कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स 100 है. अगर गर्ल्स 45% हैं तो यहाँ पे गर्ल्स क्या हैं 45% है. हम टोटल स्टूडेंट्स 100% रख लेते हैं. तो अगर 45% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ जो हैं बाकी बॉयज़ होंगे, तो बॉयज़ को हम अगर टोटल में से 100% में से गर्ल्स की परसेंटेज को माइनस कर दें तो बॉयज़ की परसेंटेज आ जाएगी 55%. ये सिंपल सांस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ 82% ऑफ द हाउसेज हैव टेलीविजन, व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव. अगर 82% घरों के पास टेलीविजन है तो ऐसे कितने घर हैं, कितनी परसेंटेज है जिनके पास टेलीविजन नहीं है. तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा. तो आपने पहले लेट करना है, लेट टोटल टेलीविजन लेट कर लेते हैं. फर्ज किया कि टोटल टेलीविजन आपके पास 100% है, तो जिनके पास जिन हाउसेज पर टेलीविजन है यहाँ लिखेंगे हाउसेज हैविंग टेलीविजन या टीवी, ये आ जाएगा 82%. ये इंग्लिश ये जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं ये लिखने ज़रूरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इसके भी मार्क्स होते हैं. तो बाकी व्हाट परसेंटेज डू नॉट हैव, तो यहाँ भी लिखेंगे हाउसेस डू नॉट हैव टेलीविजन इज इक्वल्स टू, अगर 100 में से टोटल में से हम वो माइनस कर दें जिनके पास टेलीविजन है तो हमारे पास वो आ जाएंगे जिनके पास टेलीविजन नहीं है. तो 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 12% आंसर आ जाएगा. परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं यहाँ पे. एंड पे जो भी आंसर है, अगर परसेंटेज पूछा हुआ है तो एंड पे यूनिट लगाना नहीं भूलना, इसका यूनिट परसेंट है. 100 - 82 = 18%. दैट वाज अ मिस्टेक. क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ हॉकी टीम वन 62% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस वर लॉस्ट. तो एक मैच के जो है वो तीन ही जो है हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो मैच जीता जाता है या हारा जाता है या वो टाई हो जाता है. यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है कि वो ड्रॉ हो गया, वो टाई हो गया आपस में. तो यहाँ पे हमने वो फाइंड करने हैं जो उन्होंने हारे, मतलब कि जीते वो 62% हैं, जो टाई हुए हैं वो 26% है, और हमें ये नहीं पता कि उन्होंने कितने मैचेस हारे हैं, तो हमने वो फाइंड करने हैं. तो यहाँ भी हम करेंगे लेट टोटल मैचेस इक्वल्स टू 100%. वन मैचेस मतलब के जो उन्होंने जीते हैं वो मैचेस हैं आपके पास 62%, और जो ड्रॉ मैचेस हैं, ड्रॉ मैचेस इक्वल्स टू 26%. लॉस्ट मैचेस वो आपने फाइंड करने, आपको नहीं पता. ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, मतलब कि विन मैचेस और ड्रॉ मैचेस जो कि टाई हुए हैं उनको आपस में प्लस करना है, उनको टोटल में से माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे विन प्लस लॉस्ट, विन प्लस ड्रॉ मैचेस इज इक्वल टू 62% प्लस 26%. इसका आंसर क्या आ जाएगा, 88%. तो ये वो मैचेस हैं जो उन्होंने या तो जीते हैं या टाई किए हैं. अब आपने वो फाइंड करने हैं जो उन्होंने हारे हैं. तो लॉस्ट मैचेस क्या करेंगे, लॉस्ट मैचेस इक्वल्स टू टोटल में से हम बाकी मैचेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस्ट मैचेस आ जाएंगे विच इज 12%. ये आंसर आ जाएगा. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 इज, एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स, 52% ऑफ द पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी, 17% were Chinese, 12% were from Iran and the rest were from British. तो आपने इसको क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक एरोप्लेन में 400 पैसेंजर्स हैं जिसमें से 52% जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, 52% पाकिस्तानी हैं, 17% चाइनीज हैं और 12% ईरान से हैं, और बाकी जो बच जाते हैं वो ब्रिटिश हैं. तो आपने पहले फाइंड करना है कि हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन प्लेन, मतलब कि आपको सिर्फ परसेंटेज दी हुई है, आपको टोटल तादाद नहीं पता पैसेंजर्स की कितने हैं. तो आपने पहले आपने उसकी तादाद फाइंड करनी है. तो फर्स्ट पे आप लिखेंगे 52 पाकिस्तानी पैसेंजर्स,
पाकिस्तानी पैसेंजर्स इज इक्वल टू 52% ऑफ 400, मतलब कि 400 में से 52% पाकिस्तानी है, तो 52 जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था 52% को हम 100 ओवर 100 लिखते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिलेशन नहीं करनी क्योंकि ये गलत इफेक्ट डालती है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 पैसेंजर्स। अब इसका यूनिट क्या है? पैसेंजर्स, इसका पैसेंजर्स लिखना लाजमी है। अब क्या है जी, ईरान चाइनीज़ कितने थे? 17%, तो चाइनीज़ पैसेंजर्स इज इक्वल टू 17% ऑफ 400, मतलब 400 में से 17% चाइनीज़ है, तो 17/100 मल्टीप्लाई बाय 400, तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन 68 पैसेंजर्स। द नेक्स्ट इज 12% वर फ्रॉम ईरान, तो ईरानी पैसेंजर्स 12% ऑफ 400, तो इसका भी 12% निकालेंगे, 12% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 400 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 12 फोर टाइम्स 48 पैसेंजर्स आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा सारे नेशनैलिटी के लोग के कितने लोग थे, और बाकी ब्रिटिश हैं तो ब्रिटिश के हमने चेक करने के कितने। अब यहाँ पे ब्रिटिश के वाले निकाल लेते हैं, ब्रिटिश इज इक्वल टू ब्रिटिश पैसेंजर्स लिख लें। अब देखें बाकी जो है पैसेंजर्स जो हैं ब्रिटिश हैं, मतलब ये हम सारे अगर माइनस कर दें टोटल में से तो हमारे पास ब्रिटिश पैसेंजर्स आ जाएंगे, तो आपने माइनस करना है 400 में से, माइनस करेंगे 208, फिर माइनस करेंगे 68, माइनस 48, मतलब ये 400 में से बाकी सारे पैसेंजर्स को हमने माइनस कर देना है, और इसको सिंपली डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर पर लिखना है, खुद से करने की जरूरत नहीं है। 400 माइनस 208 माइनस 68 माइनस 68 एंड माइनस 48, तो ये आंसर आता है 76 पैसेंजर्स। तो ये हमारे पास हर कौम के पैसेंजर्स आ गए कि 400 में से कितने लोग कौन है। अब सेकंड आपका जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है व्हाट परसेंटेज वर ब्रिटिश। अब हमने ये जो 76 पैसेंजर्स आए हैं इनके हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो मैंने आप पहले ही बताया था कि परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ये था जी ऑब्टेंड या रिक्वायर्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। तो जब भी आपने आपको पता है कोई अमाउंट पता है और उसको आपने लेके जाना है परसेंटेज में, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर, इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। 76 पैसेंजर्स हैं, टोटल आपके पास 400 पैसेंजर्स थे, और इनको परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया था। इसके बाद इसकी कैंसिलेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 76 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा जी 19%। ओके, अब आप आंसर चेक करने के लिए ये भी देख सकते हैं कि टोटल इसका जो है 100% बनता है, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होता है। अब 52% है, 52 प्लस 17 प्लस 12 एंड प्लस 19, तो इसका आंसर क्या आता है 100, तो टोटल देखिए 100% ही आता है, इसका मतलब क्या आंसर, आपका आंसर ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज आमना स्कोर 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री टेस्ट एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिजिक्स, इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट। जैसे आप अपने टेस्ट की अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सिंपल, जैसे आप अपने मैथ के टेस्ट के या किसी भी टेस्ट के पेपर के वगैरह के परसेंटेज निकालते हैं, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम परसेंटेज सबके निकाल लेते हैं, क्योंकि इस तरह से इसको आपस में कंपेयर करना मुश्किल है, इसलिए जब भी हम आपस में कुछ कंपेयर करते हैं मार्क्स वगैरह को, तो हम परसेंटेज के थ्रू कंपेयर करते हैं, जैसे आपके रिजल्ट को हम कंपेयर किया जाता है इन परसेंटेज। तो पहले तो आपने निकलना है कि मैथ की परसेंटेज क्या है, मैथ्स टेस्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मूला क्या है, कि 50 जितने आपके मार्क्स आए हैं उनको डिवाइड करने टोटल से, 46 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, और परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं, आपकी टीचर लिखती हैं कि आपके 46 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए हैं, तो जो जितने मार्क्स आए हैं उसको आपने मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो कैलकुलेटर यूज करते हुए आपने ये डिवाइड और मल्टीप्लाई इकट्ठा नहीं करना, 46
डिवाइडेड बाय 50, या पहले मल्टीप्लाई कर लें लेकिन दोनों इकट्ठा नहीं करना, 46 डिवाइड बाय 50 कर लिया, फिर इक्वल दबाना है, जो आंसर आएगा उसको फिर दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये दोनों ऑपरेशन डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही दफ़ा नहीं लिखने, तो आपका आंसर आता है 92%। कभी आपका हो सकता है कि आंसर दोनों को अप्लाई करने से सेम आ जाए, कभी आंसर गलत भी हो जाता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि दो मल्टीप्लीकेशन या दो ऑपरेशन इकट्ठे अप्लाई नहीं करने। द नेक्स्ट टेस्ट वॉज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री टेस्ट की परसेंटेज निकालते हैं, केमिस्ट्री टेस्ट परसेंटेज, तो यहाँ पे इसके कितने मार्क्स हैं, 64 out of 75, तो यहाँ पे 64 out of 75 लिख लेंगे, और परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100, और इसको हम कैलकुलेटर पे करते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 75 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा 85.33%। और फिजिक्स टेस्ट की परसेंटेज कैसे आएगी, 72 out of 80 आए हैं उसके आमने के, तो 72 out of 80 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो 72 डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 90%। ओके, यहाँ तक तो आपने परसेंटेज निकाल ली। अक्सर यहाँ पे क्या गलती की जाती है कि आप जस्ट परसेंटेज निकाल के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, कि उसके सबसे अच्छे मार्क्स किस में है, तो आपने एट द एंड ये लाइन जरूर लिखनी होती है, शी परफॉर्म्ड बेस्ट इन मैथमेटिक्स, क्योंकि उसकी सबसे परसेंटेज ज़्यादा मैथमेटिक्स में है, इसलिए आपने लिखना है कि सबसे अच्छा उसने मैथमेटिक्स में परफॉर्म किया है विद 92% मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, जी आर टेबल कॉस्ट अ कारपेंटर ₹720 टू मेक, ही सेल्स इट ₹920, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड शी अर्न। तो एक टेबल है जो कि एक कारपेंटर ने ₹720 की बनाई है, और उसने उसको ₹920 में बेचा, तो उसको कितना मुनाफा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हमने ये फाइंड करना है। पहले तो हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो मतलब कि उसकी कीमत है वो ₹720 है, और सेल प्राइस जिस पे वो बेची गई है वो है ₹920, तो उसका प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये मैंने छोटा करके लिख दिया, तो SP माइनस CP भी लिख सकते हैं, या आप अगले एक्सेल 1.3 है चैप्टर, उसमें आपके ये प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट जो है वो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें तो प्रॉफिट आता है, तो सेल प्राइस यहाँ क्या थी, 920 माइनस 720, तो ये आंसर आ जाएगा ₹200, मतलब उसने ₹200 का मुनाफा कमाया है। अब इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 200 जितनी हमारे पास अमाउंट होती है उसको हम टोटल से डिवाइड करते हैं, तो टोटल हमारे पास 720 थी पहले, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कि फॉर्मूला है, जैसे अभी आपने ऊपर निकाले हैं परसेंटेज मार्क्स की निकाली, इसी तरह आपने प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आंसर आ जाएगा 27.78%। अब आप देखें कि मैं हर जो आपका क्वेश्चन का आंसर है उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर है जो कि यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो अगर परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज डालें, कुछ जैसे मैंने यहाँ पे पिछले में लिखे थे मैंने मैथमेटिक्स मार्क्स, और इस तरह जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखे थे आंसर के साथ पैसेंजर्स लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पैसेंजर्स पूछे हुए थे इसलिए मैंने पैसेंजर्स लिखा था, तो आपने ये याद रखना है कि जो आंसर आपने लिखना है उसके साथ यूनिट जरूर आना चाहिए, जो पूछा गया है वो साथ जरूर आना चाहिए। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया कि इफ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस नहीं पता लेकिन 84% जो है वो 420 पेजेस है, तो यहाँ पे सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट का, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड ओवर या ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास परसेंटेज है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होता है एक्चुअली, तो मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज में आता है वो इधर आता है, तो आपके पास जो परसेंटेज है वो यहाँ पे प्रॉफिट लिखें या फिर जस्ट परसेंटेज लिख लें तो ज़्यादा बेटर है,
तो एक्चुअली परसेंटेज का फॉर्मूला है जी, परसेंटेज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे परसेंटेज आपको दी हुई है और इसके अलावा 420 पेजेस रिक्वायर्ड दिए हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको नहीं पता, तो आप वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे, परसेंटेज की जगह आ जाएगा 84। तो इसका परसेंट नहीं डालना क्योंकि पहले ही परसेंटेज में है, इक्वल टू 84 और ये रिक्वायर्ड में क्या आएगा 420 पेजेस, और टोटल आपको नहीं पता, इसको आप एक्स कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब ये जो एक्स है ये आपका वहाँ चला जाएगा और 84 डाउनवर्ड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं वैसे आ जाएगा 420 ओवर 84 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई बाय 100। ये पहले डिवाइड करें मल्टीप्लाई करने बात एक ही है, लेकिन एक टाइम पे एक, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 84 करेंगे तो ये आता है 500। और इस साथ आंसर के साथ क्या आएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस, तो 500 पेजेस आ जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये आपने सही तरह से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 इज, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड 20% हाउस रेंट, 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, इफ ही सेव्स रुपीज 1800 व्हाट इज हिज टोटल इनकम। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि हमजा जो है उसने 20% अपने घर के रेंट पे, मतलब घर के किराए पे खर्च किया, 70% जो बाकी बचा था उसका 70% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मतलब कि घर के डिफरेंट अखराजात में खर्च किया, कोई खर्चे थे उसके घर के उस पर खर्च किया और बाकी जो उसका बचा वो 1800 बचा। तब आपने ये फाइंड करना है कि उसके पास टोटल इनकम थी कितनी। तो जब भी आपको टोटल नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं, लेट करते हैं कि टोटल इनकम इज 100%। टोटल इनकम 100% में लेट कर ली, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में लेट किया था, जब हमें टोटल नहीं पता था तो हमने 100% लेट किया था। इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, एक्स वाले मेथड से, तो ये वाला ज़्यादा इजी मेथड है, अगर आप करना चाहें तो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन आपको मेथड भी सिखा दूंगी। अब यहाँ पे क्या है जी, पहले हाउस रेंट पे निकाल लेते हैं इसका। तो हाउस रेंट उसका था 20%, तो इसके बाद 70% ऑफ द रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट क्या है रिमेनिंग, कि बाकी रिमेनिंग कितना, जब उसने 20% दे दिया हाउस रेंट में तो बाकी कितना बचा उसके पास, 100% माइनस 20% करेंगे तो जस्ट 80% उसके पास टोटल वैसे बच गए। अब जो इसका 70% है वो उसने खर्च किया है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स पे, तो हम इसका निकालेंगे 70%, तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स ये आ जाएगा 70% ऑफ 80, मतलब कि 80 रुपीज़, आप ये समझे कि 100 रुपीज़ उसके पास है, 20 रुपीज़ उसने हाउस रेंट में दे दिए, तो 70% बाकी जो 80 रुपीज़ बचे थे उसमें से 70% जो है उसने एक्सपेंडिचर्स पे दिए। तो इसका 70% जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ जाता है 56%, क्योंकि आप यहाँ पे 80% से कर रहे थे इसलिए 56% आंसर आएगा। तो उसके 56% लगे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स पे, उसने सेव 1800 किए। अब क्योंकि उसने हाउस रेंट भी खर्च कर लिया, बाकी उसने एक्सपेंडिचर्स भी खर्च कर लिया, तो जो बाकी बचा वो 1800 जो है उसकी सेविंग है। तो सेविंग क्या आएगी, अगर हम टोटल में से 100% में से अगर हम उसका घर का किराया निकाल लें 20% और बाकी जो उसके घर का खर्चा था वो निकाल लें तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करें से 100 माइनस 20 माइनस 56 इज इक्वल टू 24, तो क्योंकि क्वेश्चन हम 20% माइनस कर लें इससे आंसर भी आपका परसेंटेज में आएगा, तो सेविंग आपकी जो हुई है वो 24% में हुई है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सेविंग 1800 है, तो 24% इक्वल टू 1800 हो जाएगा। अब आपने जो टोटल क्योंकि फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परसेंटेज इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड या ऑब्टेंड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड भी है, परसेंटेज भी है, टोटल इनकम नहीं है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंटेज आपके पास है 24 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास 1800 है, टोटल आपको नहीं पता उसको एक्स लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वहाँ चला जाएगा और ये वहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 1800 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हम इस तरह से कैलकुलेटर पे अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 1800
मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 24, तो इसका आंसर आता है 7500। तो x इक्वल्स टू रुपीज 7500, क्योंकि आप यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि ये आपकी अमाउंट जो है थी वो रुपीज़ में थी, इसलिए आपका आंसर भी रुपीज़ में आएगा, क्योंकि ये रुपीज़ में था इसलिए आंसर भी रुपीज़ में आएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ राहिल्स इनकम इज 25% मोर देन राहिल्स, व्हाट परसेंटेज इज ऑफ इनकम लेस देन राहिल। तो यहाँ पे भी आपको टोटल नहीं पता, तो आप यहाँ पे लेट करेंगे लेट रऊफ्स इनकम इज इक्वल्स टू 100। अब क्योंकि राहील की इनकम 25% ज़्यादा है रऊफ से, तो राहील की इनकम क्या आ जाएगी, राहील्स इनकम इज इक्वल्स टू 100 प्लस 25, तो उसकी बन जाएगी 125। अगर मतलब उसके बाद 100 रुपीज़ आते हैं तो राहील के क्योंकि 25 ज़्यादा थे इसलिए 125 बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब क्योंकि आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला जैसे कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा अप्लाई कर चुकी हूँ, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जी रिक्वायर्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, या ऑप्टेंड यहाँ हम लिखते हैं कुछ, या फिर इस हिसाब से ऑप्टेंड ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे परसेंटेज हमने फाइंड करनी है तो इसको हम एक्स लिख देते हैं, और रिक्वायर्ड आपके पास जो ऑप्टेंड थी वो 25 थी, और टोटल जो परसेंटेज आई है 125 आई है, और मल्टीप्लाई 100 करने के लिए परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ जाएगा 20। और क्योंकि आप परसेंटेज निकालनी है इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20% में आंसर आएगा। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 1.2। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको इश्यू कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेल यू। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्पॉटिंग।